पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाव। नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है वो LGBTQ यानी समलैंगिकों के अधिकारों से जुड़ा है। और ये मुद्दा इसलिए बड़ा हो चला है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि वो खुद उन मामलों की सुनवाई करेगा। अपने पास सारी याचिकाओं को ट्रांसफर कर लिया है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका थी, गुजरात हाईकोर्ट में याचिकाएं थी, केरल हाईकोर्ट में याचिकाएं थी, जिसमें समलैंगिक अधिकारों की मांग करते हुए ये कहा गया था कि समलैंगिकों को भी विवाह की मान्यता दी जाए और विशेष जो विवाह अधिनियम है यानी स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें उसको शामिल किया जाए। बड़ी मांग थी समलैंगिकों की, अधिकारों के लेकर मांग थी। और इस मांग को लेकर कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, कुछ याचिकाएं हाई कोर्ट में थी। तो यहां पर यह मांग की गई थी कि तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए और सुप्रीम कोर्ट खुद इन याचिकाओं पर सुनवाई करे, क्योंकि अलग अलग हाई कोर्ट में सुनवाई का कोई औचित्य कोई मायने नहीं है। बड़ा कदम यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। चीफ जस्टिस यानी CBI DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने ये तय किया है कि तमाम मामलों को अब सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। तीनों हाई कोर्ट से मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गए हैं। केंद्र सरकार को कहा गया कि 15 फरवरी तक वो इस मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करे कि क्या वो समलैंगिकों की शादी को, विवाह को मान्यता देने को तैयार है, राजी है या नहीं है, विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट में उसे शामिल करने को तैयार है कि नहीं है। 15 फरवरी तक केंद्र सरकार को ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है। और उसके बाद 13 मार्च को काफ़ी अहम सुनवाई करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर किया है। काफ़ी बड़ा मुद्दा था, याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील पेश हुए, उनका यही कहना था कि हाई कोर्ट में कोई फायदा नहीं है, अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग मामले हैं, सब मामलों को एक साथ ट्रांसफर किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी यह राय दी कि या तो सुप्रीम कोर्ट सभी मामलों को एक हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दे या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद भी सुनवाई कर ले। हाई कोर्ट में उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट अगर मामले में फैसला देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक बेनिफिट होगा, हाई कोर्ट का फैसला उनके सामने होगा जब वो मांग करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि जब अलग अलग हाई कोर्ट में मामले हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करना ही बेहतर होगा, निपटारा अगर सुप्रीम कोर्ट करेगा तो बेहतर होगा उनकी राय में। और उसके बाद ये मामलों को ट्रांसफर करने के आदेश हो गए हैं। काफी अहम ये मामला इसलिए है कि सितंबर 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पीठ ने, संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला दिया था और IPC की धारा 377 यानी समलैंगिकों के ऊपर जो धारा लगाई जाती थी अप्राकृतिक यौनाचार की, उसका जो अपराधीकरण था उसको अपराध से बाहर कर दिया था, उस धारा को रद्द कर दिया था, कहा था इस धारा के तहत अपराध नहीं है। ये बड़ा फैसला 5 जजों के पीठ ने किया था, जिसमें जो अब CJI हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ वो भी शामिल थे। और ये फैसला एक नए देश की तरफ एक नई चीज़ यहाँ पर थी, क्योंकि बहुत साल से मांग हो रही थी। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई थी। क्यूरेटिव को 5 जजों में भेजा गया था कि 5 जजों का पीठ करेगा, लेकिन इसके बाद कुछ नई याचिकाएं आई और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे उस समय 5 जजों के पीठ ने इस पर लगातार सुनवाई की। केंद्र सरकार ने इस पर रुख अपनाया था कि वो विवेक पर छोड़ता है सुप्रीम कोर्ट के, वो इस मामले में कोई हलफनामा अपना कदम नहीं रखेगा, लेकिन उसने एक राय जरूर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला करे 377 को जानवरों के साथ अगर कोई यौनाचार करता है प्राकृतिक तरीके से या माइनर के साथ करता है यानी नाबालिग के, तो उसको अपराध के दायरे में रखा जाना चाहिए। बाकी उन्होंने कहा था कि ये अदालत के विवेक पर है कि वो किस तरह का फैसला दे। लंबी चौड़ी सुनवाई हुई थी, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था जिसने देश भर में जो समलैंगिक संबंधों की जो वकालत करते हैं, जो समलैंगिक संबंधों में शामिल हैं, उनमें खुशी की लहर दौड़ी थी, क्योंकि वो काफ़ी समय से अब खुद को प्रताड़ित समझते थे और वो ये समझते थे कि ये धारा जो है वो उनके साथ असंवैधानिक है और गैर कानूनी तरीके से उन पर इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से इस कड़ी में ये अगली कड़ी ये है कि अब समलैंगिक संबंध को लेकर जो कोई शादी करते हैं आपस में, उनको भारत में कोई मान्यता नहीं है, लेकिन अब वो लोग मान कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये घोषित करे कि जो समलैंगिक संबंधों के तहत जो विवाह करते हैं वो एक वैलिड, एक मान्यता उसको मिले, उस विवाह को मान्यता मिले। बहुत सारे जोड़े समलैंगिकों के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं अलग अलग देश के हिस्सों से, और उन्होंने मांग की है। उनका ये कहना है कि
जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो उल्लंघन करता है उनके अधिकारों का, संविधान का, संवैधानिक है उस तरीके से, क्योंकि उसमें अलग अलग जो यानी महिला और पुरुष के बीच जो शादी है, विवाह है, उसको तो मान्यता दी गई है, लेकिन समलैंगिकों के यानी महिला का महिला से पुरुष का पुरुष अगर शादी करते हैं समलैंगिक, उसको मान्यता नहीं दी गई। ऐसे में ये उनके अधिकारों के खिलाफ है, उनके जो पहले के जो फैसले हैं उनके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के ही जो फैसला 377 है को क्वेश्चन किया है संविधान पीठ का, उसके भी खिलाफ है, निजता के अधिकार के खिलाफ है, बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बात की है कि ये लोग भी समाज का हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बहुत संवेदनशील हिस्सा है समाज का, उनको भी उनके अधिकार मिलने चाहिए। और ऐसे में जब देश में 377 सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी, निजता के अधिकार को लाया, और तब सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करते हैं कि यौन इच्छा का अधिकार है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस जो समलैंगिकों का विवाह है उनको भी मान्यता देनी चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट के साथ साथ विदेशी विवाह अधिनियम यानी फॉरनर मैरिज एक्ट में भी इसका प्रावधान करना चाहिए। कुछ जोड़े ऐसे भी हैं जो जिन्होंने जो समलैंगिकों ने जो भारतीय समलैंगिक है लेकिन दूसरे देश में शादी की और वो अब फॉरनर मैरिज एक्ट के तहत भी रजिस्टर शादी कराना चाहते हैं। तो काफी गंभीर मुद्दा है, काफी बड़ा मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षण करने को पहले ही सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया था। 25 दिसंबर को नोटिस भी जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इससे पहले भी एक नोटिस जारी हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था और एक बार फिर केंद्र सरकार को कहा है कि वो अपना जवाब दाखिल करे। यानी अब समलैंगिकों की देश में समलैंगिकों की जो शादी है का विवाह जो है उसको मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।